आज अपने इस वीडियो में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? किसी जीव के मूल आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए में हेरफेर करके सुधार हेतु परिवर्तन करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए में अगर अपने हेरफेर कर रहे हैं, उसे सुधार रहे हैं या फिर अपने कह सकते हैं उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपने जो मेन डीएनए है उसके अंदर अपने नया डीएनए मटेरियल ऐड करते हैं, इसे अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। सिंपल वे में अगर अपने बात करें तो डीएनए को मॉडिफाई करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। प्रयोगशाला में एंजाइम की मदद से डीएनए अणु के खंड करना, इन्हें वाह खंडों से जोड़ना, प्रतियां प्राप्त करना तथा दूसरे डीएनए के साथ जोड़कर एक नवीन डीएनए का निर्माण करना पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुनर्योगज डीएनए या फिर अपने कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए है उसके पहले अपने खंड करेंगे, खंड करने के बाद में उसे वेक्टर डीएनए के साथ ऐड कर देंगे। वेक्टर डीएनए का मतलब ये हो गया जैसे प्लाज्मिड के साथ ऐड करेंगे तो एक नया डीएनए बनेगा जिसे अपने रिकॉम्बिनेशन डीएनए कहते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को अपने कहते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब अपने बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग। तो सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है चिकित्साओं में, दवाओं के निर्माण में, जीन थेरेपी में, मानव विकास हार्मोन, टीके आदि के निर्माण में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में, आनुवंशिक जो जानकारी है उसको स्टोर करने के लिए भी अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। कवक और वायरस प्रतिरोधी फसलों के निर्माण में ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जो कीड़ों से सुरक्षा प्रदान करती है, इन सभी का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।